सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में बुधवार को भाजपा का मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जब मंच से भाषण दे रहे थे, तब एक बुजुर्ग महिला ठीक उनके सामने नतमस्तक हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर क्या वजह है इसकी, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी समर में नेता जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को रिझाने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनकी सभा के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे पार्टी की किरकिरी हो गई। दरअसल कार्यक्रम के दौरान प्रभात झा जब मंच से भाषण दे रहे थे, तब एक बुजुर्ग महिला उनके लगभग ठीक सामने नतमस्तक सी हो गई। झा इसके बाद भी भाषण देते रहे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब तो एक पर एक 11 हो गए, गोविंद सिंह जी भी आ गए। अभी सुनते हैं माता जी, अभी करेंगे। और ऐसी ताकत जब इकट्ठी हुई है तो हम कार्यकर्ताओं का दायित्व तो बढ़ जाता है। हम सब लोग मिलकर निकले, बात करें। अभी बूथ सम्मेलन हो गए गौरव जी, अभी होने हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बता दिया है कि मैं हूं ठेकेदार, बाकी सब बेलदार। कांग्रेस का कैंपेन करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी, प्रतिपक्ष के नेता भी कमलनाथ जी, और मैंने आपको कहा ही कि मैं हूं ठेकेदार, बाकी सब बेलदार। तो कांग्रेस में कोई व्यवस्था है क्या? पार्टी हो तो व्यवस्था हो। किसी की हिम्मत है कमलनाथ जी से बिना पूछे कुछ कर ले? अब यहाँ पर हमारे सागर की सारी यूनिट है, हमारे सारे वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, मिलकर निर्णय करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस क्या करेगी? हमने तो कहा है, हाँ, भूखे नंगे गरीबों की सेवा करना यदि गुनाह है तो शिवराज सिंह गुनाहगार। कुल मिलाकर सुर्खी से बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू के कांग्रेस उम्मीदवार बनने के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता यहां भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।